हेलो एवरीवन, मैं सद्दाम हुसैन, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियोस में मैं आप सबको इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 केमिस्ट्री जो है उसके इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 100% बिल्कुल राइट आंसर से मिला रहा हूँ। आप सब वीडियो को अंत तक देखें और आप सब मिला लें कि आपके कितने सही हैं, है ना। और आप इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपकी होगी कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 2022 में भी आएंगे और आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बना लें, बहुत ज़रूरी है मेरे शेरों। तो आओ बिना टाइम लिए मैं आपको उन सब क्वेश्चनों से रूबरू कराता हूँ, देखते हैं, है ना। फटाफट मेरे शेरों, तुम वो कर सकते हो जो किसी ने किया नहीं है। तो आपके सामने देखिए, आइए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, प्रश्न 1 से 70 तक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 1 सही है, ठीक है। और इसमें से आपको 35 ही देना है, लेकिन मैं सबको बता देता हूँ। आइए देखिए, पहला है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में किसी परमाणु की उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है। तो पहले का देखिए ये बिल्कुल राइट आंसर है, 12, ठीक है ना। दूसरा है कि कैप्रोलैक्टम निम्न में किसका मोनोमर है। तो दूसरा का देखिए ये बिल्कुल राइट आंसर है, नाइलॉन। तीसरा है कि ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल की भाष्मिकता है। तो 3 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, 3, ठीक है ना। आगे देखिए फटाफट, देखिए 4 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे कम वाष्प दाब वाला बिलियन है। तो 4 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। 1 एम पोटेशियम, ठीक है। आगे देखिए 5, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो 5 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, सेल्यूलोज। 6 है कि डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर बी है, Mg। 7 है कि शून्य कुटी की अभिक्रिया के लिए वेग नियंत्रण का मात्रक होता है। तो देखिए आगे 7 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट मैं मिला देता हूँ। 8 है कि एथिल एसीटेट का IUPAC नाम क्या है। तो 8 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है ना बी हो जाएगा, इथेनोएट, ठीक है। 9 है कि सेल स्थिरांक की इकाई है। तो 9 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, सेंटीमीटर इन्वर्स। 10 है कि एनिलीन एवं एसीटाइलिन क्लोराइड अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो 10 का देखिए बिल्कुल राइट आंसर डी है, एसीटानिलाइड, ठीक है। 10 का डी बिल्कुल राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 11 है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो 11 का आपका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, Bi3, ठीक है। 12 है कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो 12 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 से 1000 नैनोमीटर, ठीक है, NM के मतलब। 13 है निम्नलिखित में किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है। तो 13 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, CH3CH2CH2Cl, ठीक है। आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन लिखता है, TiH2O6 का होता है प्रतिबंध अनुचुंबकीय प्रकृति का है। तो 14 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, और एक अजुमित इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। 15 है निम्नलिखित में से 8:8 उपसंयोजन का उदाहरण है। तो 15 का देखिए बिल्कुल राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, KCl, ठीक है। 16 है कि HCHO का अभिक्रिया RMGX पर होने पर बनता है। तो 16 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 16 का जो है ना ए हो जाएगा। आगे देखिए फटाफट एकदम मिला लीजिए अपना, यही सब क्वेश्चंस आएंगे परीक्षा में भी। जल में कौन रंगहीन है। तो 17 का देखिए बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, Fe3+, है ना। 19 है आरहनीय समीकरण किस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का संबंध होता है। तो 18 का देखिए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। 19 है कि जब एथेनॉल का फेहलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो अवक्षेप देता है। तो 19 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, CO2O। 20 है कि एक सी अणु में किस प्रकार की बंध उपस्थित होती है। तो 20 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, द्विध्रुव, है ना। आगे देखिए 21, 25 डिग्री सी पर किसको 0.1 मिलियन के संभावित उच्चतम प्रसरण दाब होता है। 21 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, CaCl2। 22 है निम्न में अभिक्रिया में ए क्या है। तो 22 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना, एथिल अल्कोहल। 23 है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व है। तो 23 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर ए है, सल्फर। 24 है कि स्टार्च के पूर्ण जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। तो 24 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। आगे देखिए 25 क्या कहता है, 25 है आपका कि भूपरपट्टी पर सर्वाधिक तत्व पाया जाता है। तो 25 का देखिए आपका भूपरपट्टी पर देखिए आपका एल्युमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का बी सही है। 26 है सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब, 26 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, है ना। 27 है कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख कार्बनिक उत्पाद है। तो 27 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, 27 का ए राइट आंसर है। 28 है कि NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। 28 क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को। तो 28 का देखिए बिल्कुल राइट आंसर बी है, 1। 29 है कि भौतिक अधिवेशन में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे होते हैं।
तो 29 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, वांडरवाल बल्ब्स दे। 30 है कि नाइलॉन 66 है, तो 30 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर ये होगा, पॉलीएमाइड। ठीक है, 70 क्वेश्चन में से 30 हो गया। आगे देखते हैं 31, FeCO5 है तो 31 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, जटिल यौगिक। 32 है, ए प्लस बी उत्पाद क्लेप के दर ए के ए बी द्वारा व्यक्त किया गया जाता है, अधिक मतलब में ली जाए तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो देखिए 32 का देखिए आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। 33 है, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रत्यासम प्रक्रिया में फिनोल का बॉन्ड ओ समूह है, तो 33 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर बी है। ठीक है, आगे देखिए 34, एथिलीन डीआईएमिन उदाहरण है, तो 34 का देखिए बिल्कुल राइट आंसर बी है। ठीक है, 35 है, अभिक्रिया CuS2Ag + Cu2+2AgS संभव है यदि, तो 35 का देखिए इसमें से चारों ऑप्शन से आपका एच साइज सही है। 36 है, निम्नलिखित में से कौन ट्रिसिर एमिन का उदाहरण है, तो 36 का आपका मैं बता दूं बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। 37 है कि जलीय बिलियन द्वीप संयुग्म आयन के चुंबकीय आघूर्ण गणना कीजिए यदि उसका परमाणु क्रमांक 25 है, तो 37 का देखिए मैं बिल्कुल राइट आंसर आपको बता दूँ, 37 का आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए 38 है, बादल निम्न से किसका उदाहरण है, तो 38 का देखिए बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, द्रव के गैस प्रक्षेपण का। 39 है, निम्न में कौन सा प्रकाश सक्रिय है, तो 39 का देखिए आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। 40 एक्स ई एफ ओ 4 में इलेक्ट्रॉन अयुग्मन जोड़ी है, तो 40 का आपका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 41 है, जी यानी जर्मेनियम धातु के थोड़े से इंडियम से डोपित करने से हमें प्राप्त होता है, तो देखिए 41 का जो है बिल्कुल राइट आंसर आप मिलाएंगे, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 42 है, सैक्रिन का सही संरचना है, तो 42 का देखिए बिल्कुल राइट आंसर आपको बताता चलूँ, सी हो जाएगा। 43 है कि सरल घनीय जल की संकुलन क्षमता होती है, तो 43 का आपका मैं बता दूँ बिल्कुल राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 68%। ठीक है, फटाफट आपको मिलेंगे आंसर। आइए 64 देखिए, सम पराश्री बिलियन में समान होती है, तो 44 का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है ना ये होगा, मोलर संदात्रा। 45 है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रयुक्त कराने हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा, तो 45 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, 46 है, CH3CH Cl3+Cl2Cl4 की क्रिया में, देखिए 46 का आपका बिल्कुल राइट आंसर सी है, 3/2। 47 है, जैव उत्प्रेरक होता है, तो देखिए 47 का आपका बिल्कुल राइट आंसर है, एक एंजाइम है। 48 है, NaCN बिलियन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में होता है, तो 48 का जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाए Ag। आगे 1s2 2s2 2p6 3s3 3p4 इलेक्ट्रॉन विन्यास किस तत्व का है, तो 2 2 4 4 10 2 12 4 16 16 सल्फर क्लोरी है ना, 49 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। 50 है, अश्रु गैस है, तो आंसू गैस देखिए आपका इसमें 50 का एकदम बिल्कुल राइट आंसर बी है। ठीक है, आगे देखिए 51 क्वेश्चन आपका है कि मौसम प्रक्षेपण के लिए गुब्बारों में भरने के लिए उपयोग किए जाने वाला गैस है, तो 51 का ए बिल्कुल राइट है। हीलियम 52 है कि मोलर लवण का सूत्र है, तो 52 का आपका बी बिल्कुल राइट आंसर ये वाला होता है। 53 है, लैंथेनाइट का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 53 का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 है कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद बताना है, तो 54 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, CuCl2। 55 है कि HOCH2CH2OH का UPAC नाम है, तो 55 का आपका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। 56 है कि बेंजाइल्डिहाइड और के लिए केसीन की अभिक्रिया करके देता है, 56 का जो है बिल्कुल राइट आंसर बी है। ठीक है, 57 है कि अभिक्रिया इतना का HCl का प्रमुख उत्पादन है, तो 57 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर ए है। ठीक है, 58 है कि ये जो दिया हुआ सुक्रमिक अधिकतम पीके का मान बताना है, तो 58 का जो है ना बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। 59 है कि पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है, तो 59 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 60 है कि फिलोन निम्न में किसके साथ पीर करके बैकलाइट बनाता है, तो 60 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर सी होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। 61 है कि क्लोरोमाइसोटिन का उपयोग निम्न में किस कौन सी बीमारी में किया जाता है, तो 61 का आपका बिल्कुल राइट आंसर सी है, कोलेरा। 62 है कि प्रशांतक एक रसायन जो कि जिसका उपयोग निम्न में किस रंग के इलाज में होता है, तो देखिए किस रोग के इलाज में होता है, तो 62 का आपका बिल्कुल राइट आंसर सी, मानसिक बीमारी। 63 है, निम्नलिखित में कौन पायस का उदाहरण है, 63 का आपका सी राइट आंसर है, दूध। आगे और भी क्वेश्चन है, देख लीजिए बस लास्ट पहुँच गए हैं। 64 है कि अभिक्रिया ये जो दिया है कि वेग बराबर है, तो 64 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा। 65 है कि ये जो अभिक्रिया का नज़र आ रहा है इसमें से बताना है, तो 65 का आपका बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। ठीक है, 66 है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 55 बिलियन की मोलालता हैलोगी है ना, तो 66 का देखिए आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। 67 देखिए
निम्न से कौन सा लौह चुंबक का उदाहरण है? तो 67 का बिल्कुल राइट आंसर आपका सी होगा। 68 है कार्बन टेट्राक्लोराइड की सही व्यावसायिक नाम है, तो 68 का देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, पायरीन कहते हैं। अयस्कों की उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, तो इसका देखिए 69 का बी बिल्कुल राइट, धात्री कहा जाता है। 70 निम्न से किस आयन का रंगीन होने की संभावना है, तो 70 का देखिए आपका बिल्कुल राइट है, Ni2+। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके 70 जो क्वेश्चंस आए थे केमिस्ट्री के, मैंने उनके सबके इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव थे उसके 100% बिल्कुल राइट आंसर मैंने आपको बताया है, आप सब मिला ले। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आई बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।